गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तवाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सतवताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। देखो हम लोग सुनेंगे एक श्लोक है, कहते अगर कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहते हैं उनके अंदर में छह गुण आने चाहिए। कितना गुण आने चाहिए? छह। क्या क्या है? इसलिए छह गुण आने चाहिए। हाँ, इसलिए वो कहते हैं उत्साह निस्यात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात सत्ववृत्ति षडभिर् भक्ति प्रसिद्धि। इस श्लोक को कौन कह रहे हैं? आप जयपुर में जो गोविंद देव है ना, जयपुर में जो गोविंद देव है, वो गोविंद देव को जिन्होंने प्रकट किया है, गोविंद देव को जिसने गोविंद देव जिनका ही ठाकुर है वो संत कह रहे हैं। उनका नाम था क्या है? रूप गोस्वामी उनका नाम था। इसलिए हम पहले सुन रहे थे ना, दो भाई थे जो मदन मोहन को प्रकाशित किया, ये बड़े भाई ये सगे भाई, और जिसने गोविंद देव को प्रकट किया उनका एक छोटे भाई, और जयपुर में और एक ठाकुर है राधा दामोदर दास ने किया है। कौन कौन देखा? देखा राधा दामोदर विग्रह है, जो राधा दामोदर जो विग्रह हैं, कहते वो किनका है? कहते ये तीन भाई थे, बड़े भाई का नाम था सनातन गोस्वामी, छोटा भाई का नाम रूप गोस्वामी। उनका जो एक छोटा भाई था जिसका नाम था अनुपम है, और उनका जो बेटा है ना श्री जीव गोस्वामी, वो जिन्होंने वो जो दामोदर राधा दामोदर को जिन्होंने प्रकाशित किया है, हाँ ये इनका ही ये सब ठाकुर जयपुर में पूजा पा रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते तुम्हारे अंदर में छः गुण आ गया ना, जरूर तुम भगवान तुमको मिल जाएंगे। पहला नंबर है उत्साह। उत्साह मतलब होता है क्या है हमारे अंदर में, हाँ एंथुजियाज्म। इसलिए जो उत्साह होनी चाहिए हर चीज में, देखो घर गृहस्थ में अगर उत्साह होगा वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, कर सकता हो। पढ़ाई में भी अगर तुम्हारी उत्साह नहीं हो वहाँ भी कुछ नहीं कर सकता हो। कहीं भी काम करने के लिए अगर तुम्हारी उत्साह नहीं हो वहाँ भी नहीं कर सकता हो। कोई भी काम में देखना सबसे पहले क्या होनी चाहिए तुम्हारे अंदर में? उत्साह होनी चाहिए। उत्साह विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे जीवन उसकी ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए पहला नंबर भक्ति में भी उत्साह है तो तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए हैं। इसलिए किसको अंदर में उत्साह दिखने को मिलता है? और दूसरा नंबर है निश्चय, दरवाजा बंद कर दो उत्साह। दूसरा है निश्चय। निश्चय मतलब होता है हमारे अंदर में भगवान हमें मिलेंगे, या इसके अंदर में तुम्हारे अटूट विश्वास होना चाहिए। एक दिन ठाकुर जी, जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो हैं, क्यों पढ़ाई करते हो? नौकरी के लिए, लास्ट में क्या नौकरी? नौकरी करने पर क्या होगा? पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो खूब आनंद में रहेंगे, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इतना क्यों लिखाई पढ़ाई, इसमें पैसा क्यों, इनमें इन्वेस्ट क्यों करते हो? एक दिन नौकरी मिलेगा, नौकरी में पैसा कमाएंगे, बस अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह से, इसीलिए तो नौकरी कर रहे हो। इसलिए कहते निश्चय रूप में तुम्हारी निश्चय है एक दिन मेरे को नौकरी मिलेगी, तभी 25-25 क्या 25-25 साल पढ़ाई करता हूँ, CA करो नहीं तो इंजीनियरिंग करो डॉक्टरी करो। कितना साल लग जाता है? कितना साल लग जाता है? हाँ इतने साल तो एकदम कितना कष्ट करके पढ़ते हो, जो पढ़ते हैं बच्चे उनको पता है, एग्जाम आ गया ना बस 10-15 दिन पहले 15-15 घंटा कितना घंटा कटते हो, कितने घंटा रहते हो? 15-16 घंटा।
और क्या लग रहा है एग्जाम होता है एक दिन पहले सोते ही नहीं, पूरा पुस्तक दिमाग में लेकर जा करके क्या करते हैं फिर वहाँ पर एग्जाम देते हैं। इसलिए कहते कारण है तुम्हारे अंदर निश्चय है मेरे को नौकरी एक दिन मिलेगा, नौकरी एक दिन मैं करूँगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ कर क्या होगा, लिखाई पढ़ कर क्या होगा। इसलिए कहते भक्ति जगत में भी हमारे निश्चय होने चाहिए एक दिन भगवान हमें जरूर मिलेंगे ही। तीसरा जो गुण है बोले धैर्यात, धैर्यात मतलब होता है धीरज धारण करना। अब देखना जिसको अगर में धीरज नहीं है ना वो पढ़ भी नहीं सकता, मन ही नहीं लेगा पढ़ाई है, मन ही नहीं लेगा पढ़ने के लिए। इसलिए तीसरा नंबर क्या गुण होनी चाहिए तुम्हारे में धीरज होनी चाहिए है, धीरज धारण करते हुए मन को लगन लगा करके पढ़ेंगे है। धैर्यात बोले तत् तत् कर्म प्रवर्तन, मतलब है पहले पहले जो व्यक्ति जैसे तुम्हारी पढ़ाई में देखो पहले तुम किसको अपना लक्ष्य मानते हो एग्जाम रूम वाले, तो पहले जो लोग को नौकरी किया है जब देखते हो अमुक व्यक्ति अमुक पढ़ाई किया महीना में लाख रुपया उसका सैलरी है, उसका 2 लाख उसका 3 लाख उसका 4 लाख तक कमाते हैं। किसी पहले व्यक्ति को देखोगे ना हम भी अगर एक दिन ऐसे पढ़ाई करेंगे तो हम भी एक दिन ऐसे नौकरी करेंगे जिसका सैलरी कितना होगा महीना में 3 लाख होगा 2 लाख होगा 1 लाख सैलरी होगा है। इसलिए जैसे उसको लक्ष्य रखते हैं भक्ति जगत में भी कहते हम भी लक्ष्य रखते हैं पहले पहले जो आचार्य लोग आए जैसे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी इन लोगों ने भगवान की भजन किया एक दिन तो ठाकुर मिले उनको और हमें भी एक दिन ठाकुर जी हमें मिलेंगे ही, जब उनको मिला हमें क्यों नहीं मिलेगा है। इसलिए क्या करनी चाहिए बोले तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब होता है पहले उन लोगों ने जैसे प्रभु का भजन किया है नाम किया भक्ति किया हमें भी ऐसे भक्ति करनी चाहिए। बोले संगत त्यागात, संगत त्यागात मतलब जैसे पढ़ाई कर रहे हो नहीं तो हम जैसे भक्ति करते हैं भैया बुरे संगत को त्याग दो, जो दिन भर सिगरेट पीते हैं दारू पीते हैं जुआ खेलते हैं मांस खाते हैं ऐसे व्यक्ति का संग त्याग दो, आवारा बच्चों को साथ में दिन भर घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे बच्चों को साथ में घूमे पढ़ाई होगा तुम्हारी कुछ नहीं होगा, जो पढ़ रहे हो वो भी ठप हो जाएगी। इसलिए कैसे बच्चों को साथ मिलते हो जो बच्चे लिखाई पढ़ाई में मन जिनको अगर उनको साथ देखो ना बाबा ये 10-10 घंटा दिन में पढ़ता है 15-15 घंटा हम भी पढ़ेंगे हैं, ये जो पढ़ सकता है मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, फिर तुम्हारे अंदर उत्साह आएगा। और जो सिगरेट फूंकते हैं दारू पी कर घूमते हैं हैं लफेंगे होकर उनको साथ मिला तो हो गया तुम्हारी पढ़ाई गया चौपट हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को साथ में नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरह भक्ति जगत में भी कहते हैं किसका संग हमें करनी चाहिए, हमें संग करनी चाहिए जो भगवान की भक्ति करते हैं प्रभु का भक्ति में जिनका मन है हर समय समय को बर्बाद नहीं करते हैं नष्ट को नहीं करके प्रभु की भक्ति करते हैं। अगर हमें भक्ति करना तो गलत संगत को त्याग दे करके अच्छे संगत में हमें बैठना पड़ेगा है, संगत त्यागात। बोले सतो वृत्ति, सतो वृत्ति मतलब होता है जो साधु लोगों ने जैसे जैसे इन लोगों ने भजन किया है हैं पूर्व पूर्व जिन लोगों ने प्रभु की भक्ति करके जिनको भगवत प्राप्ति हुआ है हमें वैसे ही संगत में रहनी चाहिए। करना जैसे संग करोगे वैसे रंग करो रंग बढ़ेगा, शराबी को साथ में रहोगे शराब पीना शुरू कर दोगे, अगर जुआरी को साथ में रहोगे जुआ भी खेलोगे, सिगरेट फूकने वाला एक एक ले ले एक सटका बोले हमारे घर में कोई नहीं बोले रोज थोड़ी ले तो कभी कभी आदत ले बस ले तो ले तो फिर आदत धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया ऐसे व्यक्ति को संगत में छोड़ देनी चाहिए हैं, ऐसे व्यक्ति को अब जिसका संग करोगे ना धीरे धीरे देखना ऐसे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में भी भावना जितने तुम अच्छे व्यक्ति क्यों नहीं हो जितने अच्छे क्यों नहीं हो, जिस शराब के साथ में बैठोगे एक दिन शराब पियोगे ही, जितने तुम भले हो आदमी हो हैं बलगारे घुट पी ले रोज थोड़ी पीते हो शादी का माहौल एक बार घुट पी ले हैं खोल कर सिखाएगा ले बस लेते लेते क्या बच्चे तो ऐसे बिगड़ते हैं ना बिगड़ते ऐसे ही बिगड़ते हैं। इसलिए कहते हैं उसी तरह प्रभु का भक्ति करना है ना हमें किसको आदर्श माननी चाहिए, कहते हमारे जो संत लोग पूर्व जो संत लोग हो गए हैं उनको आदर्श को माननी चाहिए फिर हम क्या कर सकते हैं भक्ति जगत में भी धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए एक स्टोरी सुन लो ठीक है, आप लोगों ने सबरी का नाम सुने भगवान जिनका झूठे बैर का है इनकी कथा सुन लो। ये सबरी छोटी जाति में बेचारी जन्म हुई, एक दिन जब उसकी शादी के लायक हो गई देखा घर में कुछ बकरी पिताजी कुछ बकरी को लाए,
तब उनने पूछा, पिताजी ये बकरी क्या होगा? बोले बेटी तुम्हारी शादी है ना, उसमें जो बारात आएंगे उनको इसमें भोज दिया जाएगा, हाँ उनको खिलाने के लिए हम ये बकरी लाए। लेकिन उसको पूर्व जन्मों के संस्कार थे। बोले क्या हम कहते शुभ विवाह, और मेरे शादी में इतने जीव हिंसा, क्या भगवान केवल इंसान के हृदय में, क्या किसी जीव का हृदय में नहीं? भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, हर जीव का अंदर में मैं विद्यमान हूँ, जगत में जितने जीव सब मेरे सबका मैं पिता हूँ, तमेव माता च पिता तमेव। इसलिए उसने देखा मेरी शादी के लिए इतने सारे पाप कर्म होगा, इतने बकरी को बलिदान दे करके और भोज खिलाएंगे, भैया ऐसे शादी की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने क्या क्या रात आ रात उन्होंने घर छोड़कर भाग गए। बोले मैं तो जाकर जंगल में कहीं भगवान की भक्ति भजन करूंगी। जंगल छोड़कर उन्होंने घर छोड़कर भाग गए। भाग करके वहां पर एक मातंग ऋषि रहते थे, उन्होंने उनको पास में एक कहीं एक कुटिया बना करके वहीं पर रहने लगी। फिर उन्होंने मन मन में सोचा ये मेरे गुरुदेव है, हैं ये मेरे गुरुदेव है। जब गुरुदेव है अभी गुरु जी को कुछ सेवा करनी चाहिए ना। अब देखना सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलता है, हैं सेवा से ही मेवा मिलती है, हैं जैसे देखो घर पत्नी पत्नी क्या करती है, दिन भर घर की काम करती है, लेकिन पति कमाता है दिन भर कमाता है, लेकिन सारे पैसा ला कर किसको देता है? पत्नी को दे देता है ना, कमाएगा पूरा दिन भर, अब देगा किसको? पत्नी को। बोले पत्नी को क्यों दे देता है? बोले दिन भर तो यही काम करती है ना, घर का काम तो यही करती है, घर तो संभालती हुई है, हैं? अगर कहीं पति अगर कुछ थोड़ा पैसा मांगे तो पत्नी बोलेगी इतना पैसा क्या करोगे, हैं? बोले इतना पैसा क्या करोगे, इसके हजार कई बार देना पड़ता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलता है। उसने सोचा गुरु जी की हम सेवा कैसे करेंगे गुरु जी की, अभी सोच रही हैं। यहाँ पर संत लोग, वहाँ के पंपा सरोवर था, रोज संत लोग जाते थे नहाने के लिए। वो क्या करते थे, जब सबके सब सो जाते थे ना आश्रम के लोग, रात भर रास्ता को झाड़ू लगा करके उसको साफ कर देती है। जो आश्रम होता था हैं, वो क्या करते, झाड़ू लेकर पूरा आश्रम का चारों तरफ को झाड़ू लगाया करते थे, और जंगल से जा करके सूखी लकड़ी को इकट्ठे करके रात में जब सो जाते थे वो दरवाजे के सामने छुपा कर रख जाते थे। अभी मातंग ऋषि जब सवेरे सवेरे उठते थे, कुछ दिन उठकर देखा, बोले पहले ये ब्रह्मचारियों को बोलना पड़ता था, भैया झाड़ू लगाया कि नहीं है, साफ सुथरा किया कि नहीं, जाओ जंगल से सूखी लकड़ी लाओ खाना बनेगा। लेकिन ये देखता है सवेरे होते ही सब प्रस्तुत है, हैं? फिर ये काम कौन करता है? एक दिन गुरुजी छुप करके देखे रात को, देखा वो जो सवेरी है ना वो झाड़ू लगा रही है आश्रम के चारों तरफ में, और दिन भर जो सूखी लकड़ी को इकट्ठे करके रखी थी देखा ला करके दरवाजे के सामने रख दिया, और जो जिस रोड में जाते थे वो रोड को ये साफ कर रही है। तब उन गुरुजी ने देख कर बोले बेटी इधर आ, बोले ये सब क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो? बोले मैं सबरी जाती हूँ, ये पास में रहती हूँ, मैं आपका अपना गुरुदेव मान लिया है, हमने देखा जब तक तो गुरुजी की सेवा नहीं करेंगे संतों की सेवा तब तो कृपा नहीं होगा, हैं? सेवा से ही कृपा मिलती है, नहीं तो कृपा नहीं मिलती है, सेवा के ऊपर विवाह नहीं मिलेगा। मैंने देखा स्त्री जाति अब ये शरीर से जितना हो पाए उतना मैं कर लेती हूँ, हैं? इसलिए सूखी लकड़ी ले आता हूँ आश्रम साफ कर देती हूँ। गुरु जी बोले इसके अंदर में भक्ति है, अब देखना जो सेवा करेगा ना उसको फिर सब खुश रहते हैं। जैसे घर की बहू अगर सेवा करती है काम धाम करती है तो घर में खुश रहते ना, ये अच्छी है ये घर का सारे काम धाम को संभाल लेती है। अगर उठेगी 9-10 बजे फिर क्या होगा, हैं? सोसा करके फिर घर में लड़ाई झगड़ा होगा, हैं? इसलिए जो घर देखना घर का जो जितने काम करते ना सेवा करते घर वाले उसके ऊपर में सब खुश रहते, जो काम नहीं करते उसके ऊपर कोई खुश रहते, कोई खुश नहीं रहते उसके ऊपर में। इसलिए गुरु जी ने देखा नियम है, कहते अगर गुरु जी को पास में जाओ तो 3 चीज उपहार लेकर के जानी चाहिए, हैं? तभी गुरु जी संतुष्ट होते। बोले क्या है? बोले तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शनम्। अगर 3 चीज गुरु को पास में लेकर के जाओगे गुरु खुश हो जाएगी। बोले क्या है? सर्वप्रथम जाकर गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, प्रणिपात न, प्रणिपात मतलब संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाओ, है गुरु जी के चरण में, गुरु जी आपसे मैं आपके हूँ, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा, है
इसलिए संपूर्ण रूप में उनके चरणों में शरणागत हो जाओ। उसको बाद में गुरु जी की सेवा करो, है जैसे भगवान कृष्ण नाम सुने होंगे, सुदामा का नाम सुने हो, आज कथा सुनोगे। कृष्ण सुदामा को गुरुदेव गुरु माता ने पूछे, बोले बेटा जाओ जंगल से लकड़ी लाओ, ठाकुर को रसोई बनेगा। अभी कृष्ण सुदामा ने क्या किया, जंगल का जितने लकड़ी को इकट्ठे करके उन्होंने अपना सिर पर धरे, तो इतने जोर से तेजी आंधी तूफान बारिश आई, चारों तरफ में पानी पानी, कहीं जाने का रास्ता नहीं, गड्ढा कहाँ ऊंचा कहाँ, खड़े हुए। शाम को जब कृष्ण सुदामा नहीं आए, गुरु जी पूछे कृष्ण सुदामा कहाँ गए, बोले सूखी लकड़ी लेने के लिए गए, ठाकुर की रसोई बनेगी। तब गुरुदेव लालटेन लेकर गए, ढूंढने के लिए रात हो गया, बोले कृष्णा सुदामा तुम कहाँ हो, बोले गुरुजी हम यहाँ पर, बोले वहाँ क्या कर रहे हो, जा करके देखा गले तो पानी में खड़े हो, लेकिन लकड़ी को नीचे नहीं रख दिया, क्यों गीली हो जाएगी, ठाकुर को रसोई कैसे बनेगा, भगवान होकर क्या कर रहे हैं, सर के ऊपर में सूखी लकड़ी को सर के ऊपर लेकर खड़े हुए। जब गुरुदेव देखा ना, गुरुदेव संतुष्ट हो गए, दोनों का सर पर हाथ रख दिया, बेटा जा जिंदगी खूब फलते फलते रहोगे, तुम्हारे हृदय में जितने वेद वेदांत पुराण सब तुम्हारे हृदय में सब प्रकाशित हो जाएगा। देखो भागवत में आज उनकी कथा सुनेंगे, कृष्ण सुदामा की कथा सुनेंगे, क्यों उन्हें गुरु जी की सेवा किया है, हैं गुरु जी की सेवा किया, मतलब गुरु जी की सेवा में इतने लाभ गुरु जी की सेवा में, इसलिए गुरु जी संतुष्ट हो गए, दोनों को परम उन्होंने आशीर्वाद किया, दोनों को आशीर्वाद किया, तो जगत में अभी जगत में भागवत में उनके नाम भागवत में लिख गया है। इसलिए गुरु जी ने दूसरा और तीसरा है परिप्रश्न, परिप्रश्न मतलब है गुरु जी को जा करके भक्ति संबंधी कुछ प्रश्न करने चाहिए, इधर उधर कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगा, भक्ति बढ़ नहीं रहे, कैसे प्रभु का सेवा करनी चाहिए, कैसे माला जप करनी चाहिए, कैसे हमें तुलसी चाहिए, जाकर गुरु जी के पास में भगवत भक्ति संबंधी उनको क्वेश्चन करनी चाहिए। कहते वो तीन चीज अगर आए ना, फिर गुरु जी कृपा करके उसको उपदेश भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए उन्होंने देखा इसके अंदर में सब गुण है, पहला सबसे श्रेष्ठ गुण तो ये सेवा, इसके अंदर में सेवा की भावना है। इसलिए बोले उसने कहा, बोली बोले गुरुदेव हम तो आपका आश्रम में घुस नहीं सकते, क्योंकि आपका आश्रम में सब ब्राह्मण लोग रहते, मैं तो छोटे जाति के हूँ, कैसे घुसूंगा, मेरी तो कथा नहीं सुन सकता। बोले बेटी एक काम करियो, बोले बताओ, बोले जब मैं आश्रम में कथा करता हूँ तुम भी आश्रम में आना, लेकिन सबसे पीछे बैठ कर कथा सुनियो। बोले ठीक है गुरु जी। अभी गुरु जी जब कथा कर रहे थे, इतने में वो अंदर में प्रवेश की, जब प्रवेश की वहां पर सब बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बोले तेरे किसने आदेश दिया आश्रम में प्रवेश करने के लिए, आश्रम गंदा हो गया, गोबर गोबर और मूत्र लाव छिड़काव कर, गंगा पानी छिड़काव कर, आश्रम अपवित्र हो गया, तेरे को हिम्मत किसने दिया, तुम घुसी गई से आश्रम में, बड़े जोर से ब्राह्मण लोगों को चिल्ला पड़े। इतने में उनका जो गुरुजी ने बोले, बोले बेटा मैंने ही आदेश दिया। बोले गुरुजी आपने कैसे आदेश दे दिया, आपको पता नहीं ये सबरी है छोटे जाति के, अगर ये गुरुदेव ने कहा देख बेटा ये पीछे बैठ कर कथा सुनेगी। बोले गुरुजी अगर ये आश्रम में घुसेगी ना, हम एक भी कोई आश्रम में नहीं रहेंगे, हम तो आश्रम छोड़कर हम चले जाएंगे आश्रम छोड़कर के। गुरुदेव ने कहा देखो अगर भले ही तुम सबके सब भले ही आश्रम त्याग दे देना, लेकिन इसको तो मैं कथा सुनाऊंगा। बोले गुरुदेव फिर हम जा रहे हैं। बोले जाओ, सब छोड़ कर भाग गए। और थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने क्या किया, एक और एक कुटिया बनाकर वहीं पर रहे। और गुरु जी ये सबरी को उन्होंने भगवान की कथा सुनाया है, कथा सुना करके जाते समय बोले बोले देख बेटी एक दिन स्वयं परम ब्रह्म भगवान राम अकेले नहीं अपने छोटे भाई को साथ में आएंगे, यहीं पर आएंगे, सबसे पहले तुम्हारी पास में आएंगे, दर्शन देंगे हैं, दर्शन देकर तुमको भक्ति प्रदान करेंगे। गुरुदेव ने शरीर जब छोड़े इनको अपना आश्रम देकर गए, ये गुरु जी के आश्रम की। अब गुरु जी बोले एक दिन भगवान मिलेंगे, अभी गुरु जी की वाक्यों का अपना हृदय में धारण करते हुए क्या करती है, रोज रोज रामायण देखे होंगे ना, रोज रोज फूल लाती है, रास्ता में बिछवा कर रखती है रोज रोज, और बैठती है। गुरुदेव बोले ना जरूर आएंगे, गुरुदेव बोल कर गए, कभी छूटा नहीं हो सकता है। लेकिन जब गुरुदेव गए थे ना वो युवती थी, कितने हजार साल बाद में ठाकुर जी आए, लेकिन रोज क्या करती थी, बेर को चक चक करके बेर लाती थी रखती थी, जरूर ठाकुर आएंगे, गुरुदेव बोल कर गए ना हैं। देखो तो इसके अंदर में धीरज बताए, पहला गुण क्या है,
धैर्य है, उत्साह, इसके अंदर में कितने उत्साह, रोज झाड़ लगाती, रोज फूल लाती है, हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी भजन करें, अगर कुछ अनुभूति ना बोले गुरुदेव अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने माला जब क्या कुछ हो ही नहीं रहा है गुरु जी, कोई और कोई मंत्र है ना क्या दे दो गुरुदेव, हैं। इसलिए नहीं, जो भगवान का जो नाम, इसी कहते नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए उसके अंदर में देखो कितने उत्साह, कितना धैर्य, इसको अंदर में देखो, गुरु जी जब बोल करके गए ठाकुर जी जरूर निश्चय निश्चित रूप में ठाकुर आएंगे, हैं। और क्या करती थी, रोज रोज भगवान की कथा सुनती थी, सेवा करती थी, गुरु जी की सेवा करती थी, जो स्थान को झाड़ू लगाती थी, गुरु जी की सेवा करती थी, और सचमुच से एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी आए, राम और लक्ष्मण दोनों आए, और उन्हें क्या किया, जब ठाकुर जी को देखा इतने गदगद हो गई, इतने दिनों के बाद में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को बैठाए, बैठा करके ठाकुर को चरण को उन्होंने अपना आंखों का आंसुओं से ठाकुर जी के चरण धोए, और जो बेर लाए थे ना, हैं, चक चक करके, अगर खट्टा हो तो फेंक रहे थे, मीठा हो तो खिला रहे थे, और भगवान बड़े खुश होकर खा रहे थे, बोले झूठ है बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सताई, बोले सबरी तेरी झूठे बेर में जो आज आनंद मिला, या आनंद बैकुंठ में मेरी लक्ष्मीया कितना कितना सेवा करती, उतना आनंद नहीं आता जितने तुम्हारे झूठे बेर में जितने आनंद मिला है। और ठाकुर जी उसको क्या दिए, भगवान की भक्ति प्रदान किया, नवविध प्रथम भक्ति संत नगरी सेवा, दूसरे भक्ति तत्कथा प्रसंगा, हैं, तीसरा भक्ति गुरु जी का आज्ञा को दृढ़ विश्वास करके आज्ञा पालन करनी चाहिए, विश्वास, ऐसे उन्हें नवविध भक्ति उनको शिक्षा प्रदान की, हैं, नव विद्या भक्ति प्रदान किया और उनको भक्ति प्रदान किया करके देखो, पहले तो इनके ऊपर कृपा की, भक्ति की, अगर गुरु जी किसके ऊपर नाराज हो जाए देखो उनका बुद्धि कैसे खराब हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, पहले तो इसको पास में आए, गुरु जी की कृपा थी इसलिए ठाकुर जी सबसे पहले यहाँ आए, बाद में कहाँ गए, वो जो ब्राह्मण लोग थे चले गए थे, बाद में वहाँ गए, जब वहाँ पर गए तब ठाकुर जी बोले क्या चाहिए, गुरु जी कृपा नहीं था ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वहाँ पर एक तालाब था, वो तालाब में कीचड़ कीड़ा पड़ रहता था, कोई सांप नहीं होता था, बोले ठाकुर जी ये तालाब का जो पानी है ना कीचड़ कीचड़ है, उसमें कीड़े पड़े रहते हैं, ये पानी को हम व्यवहार नहीं कर पाते, आप कृपा करो जैसे ये पानी थोड़ा सही हो जाए हम इसको व्यवहार योग्य बना सकते, लेकिन भगवान से प्रेम भक्ति नहीं मांगी। गुरु जी बोले एक काम करो, जो सबरी है ना वहाँ जाओ, उसका चरण धो करके उसका चरणामृत लाओ, और ये पानी में छोड़ दो, अपने आप साफ हो जाएगी। बोले क्या, उसकी वजह से हमने आश्रम में छोड़ा और छोड़ करके यहाँ पर आए, और भगवान क्या कह रहे हैं, वो छोटी जाति, हम इतने इतने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, और कह रहे हैं उनका चरण धोकर के चरणामृत लाओ और ये पानी में छोड़ दो तो क्या होगा, अपने आप पानी साफ हो जाएगी, और रोज उसमें स्नान करना, मतलब उसकी चरणामृत से हम स्नान करेंगे रोज, इसके शिक्षा। लेकिन गुरु जी बोले, ठाकुर जी बोले करना पड़ेगा, फिर सबरी के पास में गए, लेकिन वो तो चरणामृत नहीं थी, बोले मैं खुद जाती हूँ, और खुद आकर के जब अपना चरणों को पानी में रखा, पानी अपने आप साफ हो गया, अपने आप पानी साफ हो गया, हैं। इसलिए यह शिक्षा क्या है, कहते हैं जात पात पूछना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं है। बताओ हनुमान जी कौन से जाति के, बोलो, बंदर है। हनुमान जी कहते मेरे सवेरे कोई बंदर का मुंह देख लेना, दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, किसी घर में घुस जाए तो पवित्र हो जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रभु का राम का नाम लेता हूँ, राम की सेवकाई करता हूँ, देखो मेरे जगत में कितने जय जयकार हैं। इसलिए कहते हैं गुह का चंडाल, चंडाल था ना, लेकिन भगवान जिसके साथ मित्र तब बैठा है, हैं, विभीषण राक्षस है, जब राम दरबार लगता है भगवान बराबर आसन उसको देते हैं, सुग्रीव अभी बंदर है, अभी बंदर है, काग उसने कौआ है, रीछ भालू है, लेकिन सबके सब राम की भक्त, भगवान सबको ठाकुर जी ने सबको उन्होंने अपनाया सबको, इसलिए कहते भैया भगवान की भक्ति में जाति कुलैर विचार ना है, तो जात कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ, और जितने बड़े क्यों नहीं हो जो भजन नहीं करता है सबसे वो निकृष्ट है, सबसे वो निकृष्ट है। इसलिए जो मेन चीज है भगवान की भक्ति, भगवान प्रति प्रेम होनी चाहिए, भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा है, भगवान केवल प्रेम में ही भगवान बसूत, और किसी चीज को द्वारा भगवान
वशीभूत तो नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर दिखाया अगर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो कहते हमारे अंदर में ये छह गुण आनी चाहिए। कितना गुण आनी चाहिए? क्या क्या हो गया? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, मतलब जो काम करने से भगवान साधु संत खुश होंगे वही करेंगे, और संगत त्यागात, उल्टा पुल्टा संगत छोड़नी चाहिए, गंधे संगत हमें त्याग देनी चाहिए, और सत्वृत्ति, मतलब पहले पहले साधुओं ने जैसे जैसे प्रभु का भक्ति किया उनकी स्वभाव उनकी गुण को अपना जीवन में लानी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं अगर छह गुण तुम्हारे अंदर में आ गया ना, बस तुमको इसी जीवन में ठाकुर मिल जाएंगे, इसी जीवन में तुमको ठाकुर जी इसी जीवन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, विश्वास पूर्वक निश्चय पूर्वक भगवान की भजन करो, और कैसे करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, ऐसे नहीं आज थोड़ी इच्छा हो गया कर लिया, कल इच्छा हुआ किया, नहीं, ऐसे नहीं। भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए, भक्ति निरंतर जमी, सवेरे रोज उठ करके नहा धो कर क्या करो, हरिनाम करो, पहले तो टीका लगाना, ठीक है ना, क्या लगाना, टीका लगाना सबके सब, हाँ टीका, जैसे घर में ब्राह्मण आता है ना, जब तक तुम्हारे तिलक नहीं लगेगा पूजा नहीं करता है, क्यों, बोले तिलक के बगैर पूजा उसकी निष्फल हो जाएगा, पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते तिलक लगा कर जाते हैं, तिलक लग बेटा तेरा काम बन जाए, अगर ये गोपियों की चरण धुली है इसको लगाओगे ना, कोई भी काम हाथ में लगाओगे जरूर वो काम बनेगा, वो काम कभी निष्फल नहीं जाएगा है। इसलिए पुराण में बताया बगैर टीका की जो काम करके जो फल मिलेगा, जब टीका लगा कर काम करोगे उससे हजार गुण ज्यादा फल तुमको प्राप्त होगा। इसलिए सबसे पहले टीका लगा करके ब्राह्मण है, उसको बाद में पूजा करवा दें, ठीक है ना बच्चों, क्या करना है, टीका लगाना सबके सब। जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, अब टीका लगा कर जाओगे तो बच्चे बोलेंगे ये क्या लगा कर इतना बड़ा लंबा क्या लगा कर आ गया है। इसलिए टीका कैसे लगानी, जैसे उसको गहरा नहीं लेना, इसका ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, उसको हल्का से ले लेना। जो घर में रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम लोग घर में रहती हो, जो घर में रहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम लोग जैसे पढ़ाई करने जाते हो उसको हल्का से ले लेना, ठीक है, हल्का से लेकर उसको ऐसे करके देखो, इधर ये ब्रह्मा है, ये बीच में भगवान विष्णु, और इधर महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिलक रूप में भगवान, ये दो ठाकुर की चरण है। उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल दिया है, इसका बड़ा महत्व है। इसलिए तिलक लगाना, तिलक लग हल्का, ज्यादा गहरा नहीं लेना, तिलक लग जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, तिलक लग जाएगा लेकिन तिलक नहीं दिखेगी, ठीक है ना। लेकिन रोज तिलक लगाया करो, घर में है कि नहीं तिलक, घर में है तिलक है ना, हाँ। इसलिए रोज रोज तिलक लगाया करना, और आज जो वहाँ पर सब बैठेंगे ना, आज मैं सबको समझाऊंगा तिलक की क्या महत्व है। हम 12 जगह पर जो तिलक लगाते हैं, एक नहीं 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, ये तिलक का अलग अलग क्या नाम है, ये तिलक लगाने से क्या होता है, ये तिलक आया कहाँ से, ये भगवान राम क्यों ये तिलक लगाते हैं, भगवान कृष्ण भी तिलक देखना, भगवान नारायण को भी तिलक लगना, हनुमान जी को भी देखना, गणेश जी को देखना, कोई भी 33 करोड़ में देवता को देखोगे वो तिलक के बगैर कोई भगवान भी तिलक के बगैर नहीं रहते, ठाकुर भी तिलक लगाते धारण करते हैं, और माँ यशोदा भी कृष्ण को तिलक लगाया करती थी, ठीक है। आज इस कथा में ये तिलक और थोड़ा कंठी और जो भगवान का नाम है, हैं प्रभु का नाम के विषय में आज कथा विश्राम हो जाएगा। पता नहीं तुमसे हम मुलाकात होगी कि नहीं होगी कभी, इसलिए तो तुम लोग तो आज रहना, आज कथा कितनी बजे करेंगे, जितने बजे होता है, नहीं जैसे शाम को भी वो है ना महाप्रसाद, कथा के बाद महाप्रसाद देते ना, तो लेट लेट।